नमस्कार, मैं आशा चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की तरफ। सूक्ष्म व लघु उद्योग राज्य मंत्री संजय पाठक ने दतिया पहुंचकर की नरोत्तम मिश्रा की तारीफ। शहीद हुए बीएसएफ के जवान रमाकांत कमरिया का दतिया के ग्राम उछिया में हुआ अंतिम संस्कार। रायसेन के गैरतगंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही सत्ता परिवर्तन रैली एवं आम सभा में 3 घंटे देरी से पहुंचे सिंधिया, जनता होती रही भूख प्यास से परेशान। नरोत्तम मिश्रा द्वारा करवाए जा रहे पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम में प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्योग राज्य मंत्री संजय पाठक दतिया पहुंचे और प्रभाकर शास्त्री दद्दा का आशीर्वाद लिया। साथ ही पीतम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीतम्बरा के दर्शन किए। इसी के साथ जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और राज्य मंत्री संजय पाठक ने नरोत्तम मिश्रा द्वारा करवाए जा रहे पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि दतिया की जनता बहुत धर्मालु है और नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता है कि यहां 1-2 दिन में ही 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बन जाते हैं। पीतम्बरा देवी की कृपा के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण जो 1.25 करोड़ होने थे, लेकिन यहाँ की जो धर्म प्रिय जनता है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े और मैं समझता हूँ कि 1 ही दिन में 1.25 करोड़ का निर्माण हो गया था। और जिस प्रकार से लोगों का दद्दा के प्रति प्रेम है, स्नेह है, और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा युवा वर्ग, अमूमन देखने में कम मिलता है कि धार्मिक आयोजनों में युवा वर्ग ज़्यादा लगे, बुजुर्ग लगते हैं, उम्र दराज लोग लगते हैं, लेकिन यहाँ तो युवा टूट के लगा। और फिर आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के लिए मंत्री होंगे, लेकिन यहाँ के लिए वो एक बेटे का स्वरूप हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्ग उनको अपना बेटे स्वरूप मानते हैं और नौजवान के लिए तो वो मार्गदर्शक के आइडियल हैं उनके, नौजवानों के। पंजाब में शहीद हुए बीएसएफ के जवान रमाकांत कमरिया का दतिया के ग्राम उछिया में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उछिया पहुंचे और शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान अंतिम संस्कार में डॉक्टर मिश्रा के अलावा कलेक्टर बीरेंद्र सिंह, एसपी मयंक अवस्थी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव के आसपास के गांवों के लोग और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र में गैरतगंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही सत्ता परिवर्तन रैली एवं आम सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 घंटे देरी से पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व विधायक प्रभुराम चौधरी सहित जनता इंतजार करती रही और जनता भूख और प्यास से तड़पती रही, जिसके पश्चात सिंधिया जनता व दावेदारों के बीच पहुंचे और सिंधिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार को जमकर कोसा, वहीं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की प्रशंसा की। सिंगरौली में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व सनातनी हिंदू युवा संगठन द्वारा विशाल 151 फीट तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल तिरंगा यात्रा अस्पताल चौराहा, गायत्री मंदिर से आरंभ होकर बाजार होते हुए खेल मैदान चितरंगी पहुंची और वहां मंचासीन पदाधिकारी व अधिकारियों ने खड़े होकर तिरंगा यात्रा का सम्मान किया, जिसके बाद यात्रा का समापन गायत्री मंदिर पर हुआ। इस 151 फीट लंबे तिरंगे को बनाने में विशेष योगदान जयाजी का रहा। पीलीभीत के बीसलपुर में नानक सागर बांध से देवा नदी में 20 वर्षों में पहली बार प्रशासन द्वारा सबसे ज्यादा 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की चपेट आ गया। इस भीषण बाढ़ के आने के कारण कई स्कूलों में पानी भर गया और रोड जाम हो गए। बीसलपुर से बरेली जाने के मार्ग पर भड़रिया मोड़ पर पुल का निर्माण हो रहा था, जो बाढ़ के कारण पूरी तरह से डूब कर बह गया और वो रास्ता पूरी तरफ से बंद हो गया। दूसरी तरफ बीसलपुर से पीलीभीत मार्ग को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बाढ़ ने क्षेत्र में भीषण तबाही मचा कर रख दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।